गली वालों, छत पे तो आ जाओ। मैं छत पे आने की कोई मना थोड़ी करी है, मैं पास में रहने की तो मना करी है। मैं गली में भी नहीं दिखाई दे रहे, कब मगर तो। शेख जी, शेख जी, शेख जी कहाँ गए? शेख जी, वाह क्या बात है! शेख जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कर क्या रहा हूँ? मैं तो चीज ले रहा हूँ सारा यहाँ भी चंद अंदर। बाहर निकलो। हैं? बाहर निकलो। अच्छी बुजी बदली सारा यहाँ फंस गया। मैं अड़ रही है कमर में। हाँ। यहाँ बैठो। तुम तो यहाँ सो रहे थे ऊपर, और नीचे क्या कर रहे थे? मैं नीचे क्या कर रहा हूँ? ऊपर मछली काट रहे थे। मैं नीचे देखा घुसा। देखा साले लैंप लेके नीचे भी आ गए। अच्छा। हाँ। शेख जी, वो लैंप नहीं होता। और क्या होता? वो जुगनू होता है। जुगनू? हाँ। उनका पीछे लैंप चल रहा था सालों का। लैंप लेके ढूंढ रहे थे मुझे। लैंप लेके ढूंढ रहे थे। हाँ हाँ, उसे जुगनू कहते हैं शेख जी। उनके अंदर ऑलरेडी ऐसी होती है लाइट। एलईडी लाइट होती है। मच्छर भी कितना चतुर चालाक है, पूरे चालाक है। ओबे साले बिजली बचा रही है। एलईडी नहीं, ऑलरेडी लाइट होती है उनमें शेख जी। अच्छा लाइट होती है। शेख जी कोई काम धंधा कर लो, अब्बू की कमाई पे यूं ही कब तक राज करते रहोगे? कमाना सीख लो कमाना। ओबे रुखसाना, अब्बू मेरे लिए तो कमाते हैं। मेरा अब्बू यूं कहता मेरा राजा बेटा, राजा बेटा। देखो शेख जी, अगर तुम कुछ काम काज करने लगोगे तो अब्बू तुम्हें राजा से भी ज्यादा मानने लगेंगे। क्या? राजा से ज्यादा बनाएगा मुझे? महाराजा बनाएगा मुझे? रुक जाना, रुक जाना। देख देख मेरा कच्चा फाड़ दिया लिहाज के लौंडे ने। क्यों फाड़ दिया? मेरे से कह रहा था पेड़ पे लकड़ी लकड़ी खेलेंगे। और तुम खेल लिए? या अल्लाह, इतना बेवकूफ आदमी भी किसी को ना दे। ये लो पैसे और जाकर सुई लेकर आओ, तुम्हारा कच्चा सिल दूंगी। रुखसाना। हाँ। बस सुई तो लोहे की होती है। या अल्लाह, और क्या करूँ, कहाँ जाके मर जाऊँ? और क्या लकड़ी की होती है सुई? जाओ बाबा जाओ, मेरा मुँह न दुखाओ। ठीक है, लाता हूँ। पर एक बात तो बता, उससे लोहे की सुई चल जाएगी। और क्या, उसे ठेली पर रख के लाओगे? बुक्की भैंसा भेजूँ? जाओ बाबा जाओ, जल्दी जाओ। फिर उसे कैसे लाऊंगा लोहे की सुई? जाओ बाबा जाओ। जा रहा हूँ। अकड़ रही है। या अल्लाह, ये मट्टी का डाला तुझे मेरे सर में मारने को मिला था, और किसी के सर में नहीं मार सकता था इसे। ओए मोटरसाइकिल रोक, वरना तेरी पूरी आस की झाड़ दूंगा। इसके बाप में हिम्मत है? हमारी आस की झाड़ेगा तू? झाड़ देगा? हैं? घर जाना, तू घर जा, तुझे बाद में देखूंगा, पहले इसे देख लूं। भाई मैं तो बस बाजार में जा रही थी। तू घर जा। तो तू मेरी आस की झाड़ेगा साले? तेरे जैसे हमने बहुत बना दिए साले। अभी लोंडे बुला के ला रहा हूँ। चल जा। अभी ला रहा हूँ लोंडे, तेरे पेट में छुरी निकलवाऊंगा। अब सही है ये बाप का, अब शायद मुझे लगता है ये लोंडे को बुला के लाकर ये सब पिटवाएगा। आया साला, हमारी आज की झड़का साल है। वाह, हमने अच्छे-अच्छे की आज की झड़ दी, हमारी क्या झड़का बेटा। चल भाई यहाँ आजा रामपुरी। वाह किधर गई? भाई से डर है, इसे तो मनाना पड़ेगा भाई, इसके बिगड़ तो कुछ नहीं है। चल बेटा सेकू, और जाना को तो मनाना पड़ेगा भाई। कहना भाई सुई है, सुई लंबी वाली है कि ऐसा क्या फट गया? कच्चा फट गया, रुक सारा सिलवाऊंगा। हाँ यार ले सुई, जल्दी निकल जा वरना लड़ाई हो जाएगी, वो लड़के दीवाने गया। वाह कुछ भी है, मुझे तो ये बतला ये सुई जाएगी कैसे, लोहे की है यार। भाई मेरे से जब तू तो बुग्गी में ले जा, पर मुझसे तू हाथ जुड़वा, तू यहाँ पंगा हो जाएगा, वो लड़के लिवाने गया। तू जल्दी यहाँ से दफा हो। ठीक है, तुम अपनी सुई के पैसे ले, हम अपना आप ले जाएंगे जैसे ले जाएंगे।
अबे काहे में ले जाऊं, मैं तो थक भी लिया यार, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। जैसी भी सवारी आएगी ना वैसे ही लेके चल दूंगा। अबे इससे पूछता हूँ, वाह भाईजान मेरे पे लोहे की सुई है और लोहा मेरे पे चलता नहीं है, तो ऐसा कर इस बार रख के मेरे घर तक पहुंचा दे, पैसे दिलवा दूंगा तुझे रुखसाना चल के। बड़ा पागल आदमी है, सुई को भी लोहे की बता रिया है। क्या सोच रहा भाईजान? अबे भाईजान तुम भी बैठ लो और अपनी सुई को भी रख लो और चलो, पूरे 10 रुपए लूंगा। चल ठीक है, 10 रुपए दिलवा दूंगा रुखसाना से। चल बेटा चल। ए कैसे कैसे कर रहे हैं, बैठते गड़बड़ कर दी, निकल ले। छुरी दिखा रहा था मुझे, छुरी मेरी बहन को घुमा रहा था मोटरसाइकिल पे। एक वारा साला ठेली पे, इस साले ने मारा मुझे। और इससे पिट गया तू? चलो साले से अभी माफी मांगवा दूंगा। चलो अबे भाई, पूरा रिक्शा बुक है शेख जी का। रिक्शा बुक करके पैसे वाला बन रहा, मोटरसाइकिल कहाँ है तेरी? भाईजान तो घर पे खड़ी है। घर पे खड़ी, अब मैं बताऊंगा तुझे। गलती भी नहीं है भाईजान, मुझे माफ। अबे भाईजान इसे क्यों मारा तुमने? मेरी बहन को घुमाता फिर रहा है। चलो ठीक है, चल लेकर निकल जैसे। ठीक है भाईजान, जा रहा हूँ। अकड़ा दिया लालू ने। चल चल, देखा अब कैसी भीगी बिल्ले बन रहा, जब शेर बन रहा था मेरे सामने। चल चक्कू दिखा रहा था। तेज तेज चल, थोड़ा सांड मरवा दिया लाल। चल तो रहा हूँ, घर तक पहुँच मैं अभी तो। मरवा दिया सांड, मरवा दिया जाना, मरवा दिया। अच्छी सुई मंगाई लोहे की, कम वक्त ने पूरे पिछवाड़े में दर्द कर दिया। और कैसे चलूं? चल चल भैया चल चल, मरवा दिया। आए अल्लाह मियां, कैसे कैसे चल रहा है। इधर को मोड़ ले, इधर को मोड़ ले। बस 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 भैया 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 यही है, रोक ले ठीक है भाई। रुक जाना कहाँ बढ़ रही है। हाय अल्लाह, शेख जी को क्या हो गया? ऐसी करते रहते उल्टे सीधे काम। शेख जी क्या हुआ? तुम तो सुई लेने गए थे। बस सुई की छोड़, अरे तू यहाँ मुझे उतार, मुझे सालों ने बहुत मारा। रुक जाना मेरी हेडरोली ठाका मारा सालों ने। हेडरोली? हेडरोली क्या होता है शेख जी? हेडरोली मैं देख, ये इसे कहते हैं हेडरोली। अच्छा इसे ठाक ठाका मारा सालों ने, मुझे ऐसे मारा। रुक जाना, पहले मुझे फिर सुई, क्या मतलब? ओ भाई ये क्या हुआ? देखो जी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो मेरे 10 रुपए दे दो और अपनी सुई उतार लो। चलो उठो। ओ तूने पलट दिया मुझे। ओ भाई ये कैसी ठेली है तेरी? ओ ठेली मत बोल दियो, मेरा डंपर है डंपर। हाँ डंपर है डंपर, डंपर ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है। उठो शेख जी उठो। शेख जी सुई देश में रखी है। देखो सुई देख ले, रखी देख ले। सुई कहीं रखे तो मिले भी, पता नहीं कहाँ रख दी। इसे बोले ठेले वाले से बोले, इसमें भी नहीं है। हटो फिर, ये लो। ओ भाई सुई कहाँ है? देखो जी मुझे नहीं पता तुम्हारी सुई वही का, मैं तो 10 रुपए में आया हूँ और 10 रुपए लेके जाऊंगा। हाँ सही करा। मैंने तो सुई लेने भेजे थे, सुई नहीं तो 10 रुपए भी नहीं। रास्ते में लड़कों ने मारा इन्हें, वही गिर गयी हुई सुई है। बारी ने मारा क्यों है किसी ने? अजी किसी लड़की का चक्कर था, उस चक्कर में पिटे हैं ये। मुझे तो मेरे 10 रुपए दो और मैं चला। ले भाई तू अपने 10 रुपए पकड़ और निकल। ठीक है जी, और तुम चलो। नाना तो कितनी अच्छी है। ठीक से चल लो। सारी गले बट मार, मैं ठीक से चला, ठीक से मैं ठीक से चला जाता, मैं ठीक से चलता। चलो मैं ठीक से चला जाता। रुक जाना, तुम उसके डंपर में क्यों आता? मैं
अकल नहीं है शेख जी। और वैसे तुमने वहाँ लड़की जा छेड़ी? मैंने कोई लड़की वड़की नहीं छेड़ी, बस जानता अपनी साली। चुप करो, वो झूठ बोल रहा था। हमें तो कोई बिगर गलती के कोई कुछ नहीं कहता। ठीक है रुक, मैं अंदाजा कुछ नहीं करूँगा, मगर ये पता नहीं चला सारा ने मुझे मारा क्यों। इतना पागलपन भी ठीक नहीं है शेख जी, तुम्हें सुई में वजन लग रहा था, टोपी में रख लाते, 10 रुपए तो ना देने पड़ते। चलो लेट जाओ। खेल रही है मुझे, कैसे कैसे कर रही है। काफी दिन हो गए फोन पे बात कर रहे हैं रुखसाना से, चलो फोन कर लेती हूँ रुखसाना को। मुझ पे घूरती रहेगी तेरा फोन पर जरा अंदर। तुम्हारे तो हाथ पैर तोड़ देने चाहिए थे। तुड़वा दे मेरे हाथ पैर, तुड़वा दे साली। मुझे तो डंपर मारा भी गिर गया साला। हेलो हेलो रुखसाना। हाँ अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है बेटा? अम्मी मैं तो खाक ठीक हूँ, बिल्कुल परेशान हूँ मैं। ये तुमने इतना पागल आदमी मुझे ढूंढ के दिया है, पूरा नमूना है नमूना। जी करता है कहीं जा कर मर जाऊँ। नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, सब अकल आ जाएगी। चुप करो अम्मी, लड़की छेड़ने की तो बहुत अकल है ना, वैसे अकल ना आई। क्या कहा? तेरा दिमाग भी सही है, मेरे दामाद पे इल्जाम लगा रही है। हाँ हाँ आज ही पिट के आए हैं, ये पड़े मेरे सामने ओंधे। देख बेटी अब की बार वो कुछ पागलपन करे ना, वहाँ मत रुकना, वापस आ जाना, मैं देख लूंगी मरन दपरे को। हाँ अम्मी ठीक है, रखती हूँ फोन। ये क्या देख रहे हो मेरी तरफ टुकर टुकर? ये लो 10 रुपए और जाकर घी ले आओ दुकान से। बाप घी से काम चलाएगी, तेल से काम नहीं चले। नहीं जाओ जल्दी लेकर आओ। हाँ जाओ जल्दी। जा रहे हूँ। और अब के पिट के मत आना, पूरे छिछिता के जमाना टूट फूट के। हड्डी ठीक ठाक नारायण जी है, मेरी हड्डी तुड़वा दे, एम्बुलेंस बुला दे मुझे। मजाक ले रही है हंस के बात कर रही साली, मजाक ले रही है हंस के बात कर रही शेख चिल्ली से। और अगर पिट के आओ तो आपके एम्बुलेंस में आना। हाँ आराम से बैठ जा, साली यही बना दूंगा एम्बुलेंस तेरी। जाओ या अल्लाह अब कोई लफड़ा न करिया। कर तू छोरी रे, इसे कुकी पहनी दुनिया हो रही रे। सिकु सिकु बोला कर तू छोरी रे, इसे कुकी पहनी हो। गोलगप्पे खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे। बना दे एक पत्ता, बना दे भाई, और फट जाने के लिए बहुत स्वाद सा बना दे, चटपटा सा बना दे। हाँ मजा आ जाएगा खाते ही। शेख चिल्ली लड़की को गोलगप्पे खिला रहा है। ओहो सही कह रही थी रुखसाना। बढ़िया ने की कागज में दे दिया, और रुखसाना कह रही थी सुई टोपी में रख लाते, साले वो टोपी में रख लेता हूँ, ये सही रहेगा। रुखसाना की बात मार के चलूंगा मैं तो। ये ले बेटा रुखसाना, अब सही है खोने का भी नहीं। मेरी अम्मी प्यार से चिल्ली के बोले थी, बोले थी। ओबे मैं तो यहाँ क्या कर रहा जा गिर के? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारी यू क्या निकल रहा सब पैसा पैसा। ओबे तुझे बता क्या बेटा, घी है घी रुखसाना ने मंगाया, घी है तुझे बता क्या, इसका मतलब सही लाया हूँ मैं घी। रुखसाना के पास फोन करती हूँ, अभी बताती हूँ उसे। क्या बात हो गई? कैसा फोन करा? रुखसाना तेरी बात बिल्कुल सही है, वो बहुत बदतमीज है, हरामी है, बहुत ही आवारा है वो। क्या हुआ अम्मी, ऐसा गाली क्यों दे रही हो? बेटा तेरी बात बिल्कुल पक्की है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो एक लड़की को गोलगप्पे खिला रहा था। ये क्या कह रही हो अम्मी, वो तो मैंने अभी घी लेने भेजे, कैसे यकीन करूं? मैंने अपनी आंखों से देखा, वो तुझे आवेटावे देगा और उन पैसों के उस लड़की को गोलगप्पे खिला देगा। ये बात हुई तो अम्मी मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं भी इस घर में रहने वाली नहीं हूँ, और अगर तुमने भी मना कर दिया तो मैं कहीं जाके मर जाऊंगी।
नहीं नहीं बेटे, अभी मैं जिंदा हूँ, घबराना मत। तू यहाँ आ जा, मैं तेरा दूसरा निकाह कर दूंगी। अर्जाना कहाँ गई थी? सही सही बता वरना भूल जाऊंगा तू मेरी बहन है। अच्छा तो आप मुझे मारोगे? अगर आज मेरी पास जिंदा होती तो मुझे इस तरह रोना नहीं पड़ता। अर्जाना तू अम्मी की याद मत दिला कर, तू अम्मी की याद दिला के मुझे भी रुला देती है। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं कह रहा था वो अच्छा आदमी नहीं है। मैं कहीं अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर दूंगा, बड़ी धूमधाम से तेरी शादी करूंगा, तू उसे भूल जा। चल अंदर जा। क्या करूं, मुझे कहीं अच्छा सा लड़का देखकर इसका निकाह जल्दी करना पड़ेगा, कहीं गलत ना हो जाए। जा रही हूँ, मैं अब इस घर में रहने वाली नहीं हूँ, मैं थक गई हूँ सुन सुन के, मेरे कान पक गए हैं। कति अब आ जान दो एक बार, जो मैं रह अब्बू का भी नाम लेंगे, मैं जब भी नहीं रुकने वाली, चली जाऊंगी अपनी अम्मी के पास, बस आ जाए। आ गए, क्या करके आयो? बस जैसे तूने कहा मैं सही करके आया हूँ। क्या करा? तेल टोपी में लाया हूँ घी। वो भी कहाँ गया घी? कहाँ है घी इसमें? मैं ही मिली हूँ बेकाने को। रुक जाना, मैं तो इसमें लाया था। ये क्या किया तुमने? बार रुक जाना, जैसे तूने मुझसे कहा मैंने ऐसे किया, मैं टोपी में लाया था घी, खुदा की कसम। खबरदार, जो तुमने खुदा की कसम झूठी खाई तो इससे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं इस घर में अब रुकने वाली नहीं हूँ। रुक जाना, अगर तू चली गई तो अब्बू मारेंगे। अब्बू की शर्म से ही अब तक मैं रुकी हुई थी, और अब बात बर्दाश्त के बाहर हो गई है। कोई और कहता तो मैं मान लेती, लेकिन मेरी अम्मी कभी झूठ नहीं बोल सकती। जा रही हूँ अपनी अम्मी के। रुक जाना, माने कर। ओए, अपने शेख चिल्ली को समझा दियो। क्या बात हो गई? वो मेरी बहन से मिलने जुलने की कोशिश ना करे, वरना मैं पुलिस में जाऊंगा। हमारी तो बेइज्जती हो रही है, पर छोड़ूंगा तुम्हें भी नहीं। कोई बात नहीं भाई, मैं शेख चिल्ली को समझा दूंगा, पर आज तक ऐसी बात तो हमारे सामने कोई आई नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं समझा दूंगा। समझा दियो उसे, वरना हमें अच्छी तरह समझाना आता है। भाई समझा दूंगा, देखो मोहल्ले में कोई सुनेगा तो हमारी बेइज्जती होगी। आप जाओ, मैं समझा दूंगा। ठीक है, जा रहा हूँ। जाओ। मैं शेख चिल्ली इसकी बहन के साथ? मेरा लड़का तो शादीशुदा है और मेरी बहू तो लाखों में एक है। चलो समझा देता हूँ, शायद कोई गलती हो गई हो। पहले समझा देता हूँ। यार बाप तो इतना अच्छा है और लड़का इतना बदतमीज। चलो ठीक है, समझा ही देगा। ये ले, फरजाना होटल। क्या करना? खाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। अब मैं जाने वाली नहीं हूँ उस घर में, जब कुछ भी हो जाए, चाबू लेना है चाहे शेख जी लेना है, अगर आ भी गए ना तो अम्मी से कह दूंगी इनकी टांग तोड़ कर भगा दो, पर मैं जाऊंगी नहीं। दुनिया मस्ती करती, तू भी करेगी? और ये लड़की कौन है? ठीक है तो आ जा होटल। अच्छा तो अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही थी मेरी कि शेख जी बिगड़ गए हैं। मैं भी खड़ी होकर देखती हूँ कि शेख जी कितनी देर में आते हैं, मैं भी यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं। अच्छा चलो चलो चल रहे हैं, पूरे मजे लेके आए हैं। तुझे भी घर जाना, तेरा भैया मारेगा नहीं। बैठ 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 बैठ। अच्छा तो ये है वो चुड़ैल जिसके चक्कर में ये है, और ये मेरा घर बर्बाद करके ही मानेगी। अब तो मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। चलो चलो चल रहे हैं।
हो जा पहले, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। अब आ गई ना बेटी तू, अब तू आराम से रह। अब अगर आ गया तो मैं भेजूंगी नहीं। अम्मी मैंने तो तुम्हारी बात झूठी समझी थी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है एक लड़की के साथ उन्हें होटल से निकलते हुए। तू चिंता मत कर, मैं उससे तलाक दिलवा के तेरा दूसरी जगह निकाह कर दूंगी। तुम ठीक कह रही हो अम्मी, हमने इतना बदतमीज आदमी भी नहीं देखा। हमें तो आज तक मोटरसाइकिल में बिठाया भी नहीं, और हमने कहा कि हमें बिठा के घुमाओ, तो कहते मुझे मोटरसाइकिल नहीं आती, और उसे अपनी अम्मा को लेकर घूम रहे। कोई बात नहीं, मैं सारा सामान उल्टा मंगवा दूंगी। अबू! कैसे रो रहा बेटा? अबू, अबू, रुक जरा, छोड़ के चली गई मुझे, हैं? छोड़ के चली गई अबू, और मुझे मारा, मुझे नुकर के मारा। इसे मार के मेरा पार्ट में सिर मारा मेरा। ऐसा तो नहीं, वो सही कह रहा हूँ, यही नालायक हूँ। क्या सोच रहा? मैं ये सोच रहा हूँ, तुझे छोड़ के गई है ना, मैं आज इसकी कलेसी काट देता हूँ। आ मेरे साथ, आ जा। ठीक है, चल चल। ठीक है, चलो चलो अबू, चल। कहा लारा निकाल के देख बेटा, एक बात बताऊं तुझे, तेरी गलती तो है, लेकिन मेरी इज्जत के खातिर उसे तीन तलाक दे के उसका छुटकारा कर दे। वो अपने घर और हम अपने घर। अबू हाँ, मगर रुक सर, नाराज क्यों हो गई? नाराज हो जा 10 बार, अब तो इज्जत की बात आ गई। ठीक है अबू, हाँ। अगर मुझे तेरी इज्जत के लिए हाँ 10 रुखसाना भी कुर्बान करनी पड़े ना, हाँ। तो मैं वो भी तैयार हूँ। उसका भाई कह रहा था मेरी बहन के साथ, और ये तलाक देना तैयार है, कहीं इसकी चाल तो नहीं है ये? है ना? मैं ये सोच रहा हूँ बेटा, हाँ। कुछ गलत ना हो जाए, है? पर चल, जो करेगा अल्लाह करेगा। आ। कुछ गलत नहीं होने वाला, अगर तेरी इज्जत की बात है ना, कुछ गलत नहीं होने वाला। आ फिर आ, चल आ, तू चल अंदर, मैं गेट बंद कर रही हूँ। चल चल चल, आ इधर चल। अम्मी मैं बिल्कुल जाने वाली नहीं हूँ, जब कोई भी आ जाए। ठीक कह रही है तू, मत जाना। समधन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। तेरी सलाम 100 बार। कैसे शर्मदार सा हो रहा है, जैसा कुछ जानता ही ना हो। अम्मी हाँ, वो भी आने वाले हैं, इन्हें अंदर बैठाओ। हाँ ठीक कह रही है तू, जाओ जी, आप अंदर बैठ जाओ। ठीक है जी, किधर है कमरा? कमरा इधर है। आ जा बेटा। अबू आ जा बेटा, आओ। खैरियत तो है भाई? ये कमरा, इसमें अंधेरा हो रहा, कुछ है बिछा हुआ? हाँ यही तो है। है तो सही, आजा सर, आजा, लेट तो पहले से जानू, बैठने का थोड़ी देर की तो बात है। अम्मी अब ये लोग आ तो गए, इनका करना क्या है? अब तू देखती जा मैं क्या करती हूँ। भाई जान पता भी है कुछ? हाँ यही है। तो खुलवो दरवाजा, कुट कुट करो। अम्मी आ के देखो अंदर। अरे गेट खोलो भाई, गेट खोलो, दरवाजा खोल रहा है, वापस ले जाऊं लौंडे को। हैं? आके देखे। चलिए रुखसाना, चलो देखते हैं कौन है। चलो अम्मी। ता खोलो, जल्दी खोलो। रुको तो सही, आ रहे हैं, खोल रहे हैं, खोल खोलो रहे। बड़ी देर में खोला गेट भाई जान। शेख चिल्ली का हम शक्ल, ये तो शेख चिल्ली की तरह ही लग रहा, बिल्कुल ही जुड़वा की तरह। अम्मी मेरे दो दो शेख हो। चुप कर। अस्सलाम वालेकुम। चश्मा उतार के बात कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम, अम्मी भी भूल गया? अम्मी, चलो अंदर चलो। किसकी अम्मी? आगे मैं चलूंगा। ठीक है रुखसाना, कुर्सी लिया। हाँ ठीक है अम्मी, लो जी बैठो। बाबा जान। हाँ बताओ भाई। हाँ मुझे क्यों लेकर आए हो आप? शेखू तेरे बाप ने मुझसे कहा कि हमारे लड़के का रिश्ता करवा दे, देख लड़की है बेटी, इसे देख ले। ओ भाई मुझे किसी से निकाह नहीं करना, मुझे तो फरजाना से निकाह करना, मैं तो फरजाना से प्यार करता हूँ, उसे मोटरसाइकिल घुमाता हूँ रोज, तू मेरे बाप ने दिलवा रखी है। फिर तेरे अब्बू ने क्यों कहा मेरे बेटे का रिश्ता करवा दे कहीं से? मेरे अब्बू क्या पता उसका लौंडा कहाँ गुल खिला रहा।
बाप बेटा दुनिया का पागल बनाते फिर रहे हो फिर। रुखसाना। हाँ अम्मी। ऐसा लगे हम कुछ गलती कर रहे दिखे। तू शेख चिल्ली और उसके अब्बू को यहाँ बुला। ठीक है अम्मी अभी बुलाती हूँ। अब्बू। हाँ। बाहर आ जाओ शेख जी को लेकर तुम भी। आ रहा हूँ। चल बेटा चल रुखसाना बुला रही है आ देखें। चल अब्बू अब तो जेल जैसे भी कहेंगी। इतने देर हो गए आपको पानी की भी नहीं पूछी। कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं। ओबे। अरे बेटा हाँ? ये तो बिल्कुल तेरे जैसा। अब्बू ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही लौंडा। अबे हाँ सेगू तुम तो दोनों एक जैसे लग रहे हो। कोई बात नहीं है बेटे तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है। मेरे बाप का नाम है रहमान मलिक जंगल का चिरान गवाईजान। बिल्कुल ठीक कह रहा बिल्कुल ठीक। अब इतना लंबा नाम होते हैं बेटे होते हैं इतने लंबे नाम होते हैं। तुम्हें मोटरसाइकिल चलानी आती है। हाँ जी हाँ जी मोटरसाइकिल मैं तो हवा जहाज चला दूँ। मैं तो कई साल से फट जाना चला रहा हूँ बोलते कि ना हो। ठीक कह रहा है ठीक कह रहा है। हवाई जहाज भी चला ले अब्बू। चला ले बेटा चला ले। भाई जान मुझे भी सिखा दो कि मोटरसाइकिल चलानी। फिर तो मैं रुखसार होकर बैठा कर घूम करूंगा। ठीक कह रहा ना अब्बू मैं। हाँ घूम लियो घूम लियो। ये मेरा शेख हुआ। तो हमने कब कहा ये मेरा शेख हुआ है। बेटा हम तो बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रही थी। फरजाना तेरे शेखू ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आने से बचा लिया वरना तो अल्लाह मियां मुझे कभी माफ नहीं करता। शेख जी मुझे माफ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फरजाना इसमें माफ करने वाली कौन सी बात है। समधी जी मुझे माफ कर दो मैंने तो फरजाना को इसकी मोटरसाइकिल पर देख कर गलत समझ लिया था। बेटा मैंने भी इसे देख लिया बहुत अच्छा हुआ वरना आज मैं तेरे साथ बहुत बुरा कर देता। अब मैं तेरे चाचा साथ जलालू मुझे हाँ। माफ कर दो मेरी बहन प्यार तो इससे करती थी और मैं जलील आपको करता था। शेख जी आप भी मुझे माफ कर दो। अरे भाई यार इसमें माफी की क्या बात है। मैं तेरी बहन है हमें बचा लिया वरना हमारा तलाक होने वाला था। कोई बात नहीं बेटा गलत फहमी में काम हो जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा। ए जिल्लू बेकार रो रहा तू खामोखा। छोड़ कोई बात नहीं बेटा रोए ना करते हैं। शेख जी मैं खाना पकाती हूँ। ठीक है बेटा खाना बना लो। बेटा शेखू मुझे तुझ पे फख्र है मेरे लाल कि तेरी गलती ना होते हुए भी मेरी इज्जत के खातिर तू रुखसाना को तलाक देने को तैयार हो गया। इसलिए मैं तुझ पे बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ। अब्बू मुझे इतना फख्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने मुझे तेरे जैसा अब्बू दिया जो मेरी हर वक्त मदद करता। तो फिर हम हाँ फिर मिलेंगे। भाईजान सुनंदा कैसी की पेशकश कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो एक सब्सक्राइब बनता है कर दो भाईजान। आपका भाई शेख चिल्ली कह रहा एक सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो कमेंट भी कर दो कर दो ठीक है कर दिया। हाँ।